अब स्टॉक मार्केट चाहे बढ़े चाहे गिरे, ऊपर हो या फिर जाए नीचे, क्या आपको शेयर मार्केट से एक रेगुलर इनकम चाहिए? क्या आप भी शेयर मार्केट से हर महीने कुछ फिक्स पैसा यहाँ पर चाहते हैं? तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे शेयर जिससे आपको लगातार रेगुलर इनकम यहाँ पर मिल सकता है। आप इन शेयर से 8,000 से लेकर 25,000 हर महीने फिक्स यहाँ पर आप पा सकते हैं। तो इन शेयर्स का आपका पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, और कैसे बनाए शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम जानिए आज के वीडियो में, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, अगर आप बिगनर स्टूडेंट या फिर है एडवांस लेवल पे, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल जितने भी लोग हैं। सो वेलकम यू ऑल, लेट्स बिगिन। आज ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस प्रकार से शेयर मार्केट बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे सेंसेक्स जो है वो तकरीबन 1 साल में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको यहाँ पर जो दिखेगा डाटा वो 1 साल में 60-70% बढ़ चुका है, यानी कि इतना ज़्यादा। नॉर्मली 10-15% हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मार्केट बढ़ता है, लेकिन कोई चीज़ अगर 60% बढ़ गई है तो आने वाले ईयर्स कितने ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे आप अंदाज़ा लगा लें। तो ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम पर आपको चाहिए सपोर्ट, और वो सपोर्ट आपको देंगे मैंने वो शेयर्स जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अब मार्केट खुद ही बता रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, और क्रैश हो सकता है 40-50%, तो आपके लिए उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। और डिविडेंड स्टॉक्स आर द बेस्ट स्टॉक्स, ये आपको रेगुलर इनकम भी प्रोवाइड करते हैं। और आज का जो मैं टेक्निकल ट्रिक बताने वाली हूँ ना, वो वर्ल्ड बेस्ट टेक्निकल ट्रिक होगी। आप पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें, आप फास्ट कर कर देखें, लेकिन आप स्किप ना करें, क्योंकि आप इस वीडियो से जो सीख के जाएंगे ना आप, वो ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर काम आएगा। जो डिविडेंड आप मेरे इस वीडियो देखने के बाद कमाएंगे, जो रेगुलर इनकम आप हर महीने शेयर मार्केट से कमाएंगे, उसे आप री इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में ही, और आप उससे और भी ज़्यादा पैसा बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, जो मैं इसे कहती हूँ वो मैं कहती हूँ ज़ीरो प्रिंसिपल थ्योरी, यानी कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल थ्योरी। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा मार्केट में, और आप मार्केट से करोड़ों रुपये, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक कमा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये स्कैम वीडियो तो नहीं है, बिल्कुल भी ये स्कैम वीडियो नहीं है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आप सीखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी किस प्रकार से काम करती है। आप यहाँ पर हमेशा शेयर मार्केट में सुने होंगे कि ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि रिस्क लेने के चक्कर में कई बार बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपने इमरजेंसी फंड को लगा देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके वो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाए, जब आपको पैसा ही ना लगाना पड़े, आपके पैसे ऑटोमेटिकली कहीं से आए और वो पैसे ऑटोमेटिकली मार्केट में लग जाए, और इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करें। कैसे, जैसे कि आपने अपने पैसे को कहीं पर लगाया, या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदा जो मैं आपको बताऊंगी आज, वो खरीदे तो उस शेयर से आपको स्टडी इनकम आया, यानी कि वो शेयर आपको डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड आया, और वो डिविडेंड अमाउंट को आप रीइन्वेस्ट करोगे रिस्की स्टॉक्स में, यानी कि ग्रोथ वाले स्टॉक्स में। देखिए, आपने जो लगाया है वो 0 रुपये लगाया है, क्योंकि आपकी जो ऊपर से जो इनकम आ रही है डिविडेंड, आप उस डिविडेंड के पैसे से शेयर खरीद रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो आपकी लागत यहाँ पर 0 हो गई, और आप जो आपके जो पैसे आ रहे हैं डिविडेंड के रूप में, उससे आप शेयर परचेस कर रहे हैं, और वो शेयर कंपाउंड हो रहे हैं, यानी कि वो शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप मिलेनियर और बिलेनियर बन सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि कृतिका मैम, क्या आप मिलेनियर या फिर आप बिलेनियर क्यों नहीं बन गई, ये वीडियो बता रही हूँ। तो देखिए, हर चीज़ टाइम से होता है। अगर किसी बैट्समैन को 100 रन बनाना है तो उसे 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और धीरे धीरे अपनी पारी को 10, 20, 30, 40, 45, 70 कर वो 100 तक पहुंचता है। सो इट कम्स विथ डिसिप्लिन, ईच स्टेप आपको धीरे धीरे यहाँ पर लेने पड़ते हैं। तो मैंने तो अपना पहला स्टेप ऑलरेडी ले चुका है, और आज आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो आने वाले समय में हु नोज वॉट रिजल्ट आई विल गेट, हु नोज वॉट रिजल्ट यू विल गेट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। देखिए, 3 में से जो पहला शेयर है वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड एक मोनोपोली शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपको डिविडेंड बनाकर देता है, सेफ स्टॉक है, ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, ज़्यादा नीचे ये गिरता नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ 10,000 पावर ग्रिड के शेयर्स खरीदती हूँ, और इसे खरीद कर मैं भूल जाती हूँ कि भैया मैंने 10,000 पावर ग्रिड के शेयर्स खरीदे,
और लेट मी फॉरगेट कि मैंने कोई शेयर खरीदा। आपको पता है ये पावर ग्रिड के शेयर मुझे ईयरली 90,000 रुपये देंगे, यानी कि अगर आप मंथली देखोगे तो मंथली आएगा तकरीबन 8,000 रुपये के आसपास, 8,000 मुझे हर महीने फ्री में मिलेंगे जीवन भर के लिए। जब तक पावर ग्रिड मार्केट में है तब तक मुझे 8,000 मिलते रहेंगे। हाँ, डिविडेंड फ्लक्चुएट करेगा, कभी 7,000 मिलेगा तो कभी 9,000 मिलेगा, कभी 10,000 भी मिल जाएगा, कभी 6,000 भी मिल जाएगा, ऑन एन एवरेज 8,000 मिलता ही रहेगा। अब आप सोचिए, मैं इस 8,000, देखिए फ्री के 8,000 है, अब इस 8,000 पे हो सकता है कि मैं इसे रिस्की एसेट में अगर लगाई तो मुझे दुख नहीं होगा कि गए तो गए, मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि वो मुझे मेरे फ्री के पैसे थे। तो मैं इस 8,000 को ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकती हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हो या फिर क्रिप्टो हो। तो मैं इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ जो रिस्की है, तो ऐसे शेयर्स मैं ले सकती हूँ क्योंकि उसमें मेरा रिस्क नहीं है, मेरी ये कमाई के पैसे नहीं है, यानी कि जो मैंने फिजिकल वर्क करके कमाया है ये वो पैसे नहीं है, तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी। मैंने एक बार कुछ पर्टिकुलर शेयर ले लिया, उससे मुझे कुछ डिविडेंड मिल रहा है, उस पैसे को ही मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब आप एज्यूम करिए कि आपके पास पावर ग्रिड जैसे 3 शेयर हो गए। आज के वीडियो में ही तो मैं आपको 3 शेयर बता रही हूँ, तो आपके पास 3 शेयर हो गए। अब ये 3 शेयर से आपको कितना पर मंथ मिलेगा? देखिए 8, 8 2 16, 8 3 24, 24,000 राउंड फिगर ले ले तो 25,000 हर मंथ आप कमा पाएंगे बड़े आसानी के साथ में, बिना किसी दिक्कत के। अब ये 25,000 पर मंथ जो आप कमा रहे हैं, ये 25,000 रुपये आपके नहीं हैं, ये 25,000 मार्केट आपको दे रहा है क्योंकि आपने मार्केट को दिया और मार्केट आपको बनाकर दे रहा है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ किया ना, वो अमाउंट तो मैंने इनिशियल इन्वेस्ट किया ना। बिल्कुल किया आपने, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, मैं मानती हूँ, अग्री, और वो अमाउंट आपके 10 साल में डबल भी हो जाएंगे। हर साल डिविडेंड देने के बाद भी अगर आप पावर ग्रिड का शेयर चार्ट में देखोगे ना तो वो लगातार बढ़ते जाता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। देखिए 5 साल पहले पावर ग्रिड का शेयर अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी कम का था, आज से 10 साल पहले देखोगे तो और भी कम का था, 60-70 रुपये में था, 10 साल में 3 गुना हो गया। तो आप एज्यूम करें कि 10 साल पहले अगर आप पावर ग्रिड में लगाए रहते तो आपके 15 लाख सपोज लगाए हो, वो 45 लाख हो जाते, जो कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होते, और आपको फ्री के डिविडेंड भी यहाँ पर लगातार मिलते चले जाते। तो अब वापस आते हैं, देखिए डिविडेंड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,000 पर मंथ। देखिए जो पैसे हैं आप इसे बनाए हैं, आपने इसे क्रिएट किया है, मनी इज़ वर्किंग फॉर यू, मनी आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप अब इस पैसे को अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से आपको 20-25% मिलेगा। चलिए मैं अज्यूम करती हूं कि अगर आप सिर्फ 20% कमा रहे हो और 25,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, तो आज से 25 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप कम से कम बिना किसी काम के 16 करोड़ रुपये कमा लेंगे। 16 करोड़ आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, आप 15 से 16 करोड़ रुपये बना लेंगे। ये 15 से 16 करोड़ रुपये क्या है, नाउ द पॉइंट कम्स हियर इज फाइनेंशियल प्लानिंग किस प्रकार से की जाती है। तो ये 15 करोड़ के लिए आपने एक भी पैसा खुद से इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने एक भी सिंगल पेनी इन्वेस्ट नहीं की है, 0 इन्वेस्टमेंट में आप 15 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और आपकी रिटायरमेंट आ गई। जितना पैसा PPF, NPS, फिक्स्ड डिपॉजिट और EPF, जो भी जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टैक्स सेवर स्कीम्स हो गए, सबको मिला देंगे और आप रिटायर होंगे ना तो भी आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। इतना पैसा आप बना लिए वो भी फ्री में। देखिए ये मेरा आज के वीडियो का फिलॉसफी था, आइडिया था आपके लिए। अब अगले 2 स्टॉक्स आ जाता है, पावर ग्रिड जैसे 2 स्टॉक्स कौन से हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। आज के वीडियो में हो सकता है आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली हो, बहुत कुछ समझ नहीं आया हो, पूरे डिटेल से समझना चाहते हैं आप, तो आप नीचे लिंक है डीमैट अकाउंट खुला लीजिए, आपको PDF इस लेक्चर की, इस वीडियो की मिल जाएगी। अगर आपकी चांस अच्छी हुई तो आप PDF जीत सकते हैं मेरे तरफ से, जहां पर मैं आपको खुद बताऊंगी कि किस प्रकार से मैं इन्वेस्टमेंट करती हूं और ये गोल आप किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डीमैट अकाउंट खुलाइए, चाहे आप पेटीएम का खुलाए, ज़रोदा का खुलाए या फिर एंजल का खुलाए, तो तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
सेकेंड स्टॉक जो है वो है पेट्रोनेट एलएनजी, हर साल 2-3% का डिविडेंड देता है। और जो मेरा तीसरा स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। तीनों ही शेयर 100 से 200 रुपए के बीच में है, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं बता दिया मैंने आपको। पावर ग्रिड 200 रुपए का शेयर है, कैस्ट्रॉल इंडिया 150 रुपए का शेयर है, पेट्रोनेट 200 रुपए के आसपास का शेयर है। तो आज जो मैंने रिसर्च करी थी वो मैं आपके सामने लेकर आई, और इस प्रकार के आइडियाज़ जब भी माइंड में जनरेट होते हैं, देखिए हमेशा जनरेट नहीं होते इसलिए आपको हर वीडियो देखना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार के आइडियाज़ मेरे माइंड में जनरेट होते हैं मैं आपके साथ जरूर से शेयर करने आ जाती हूं। ऑफ कोर्स चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती है, अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ वीडियो देख के कुछ हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। मैं इसे खुद फॉलो कर रही हूँ, खुद यूज़ कर रही हूँ लाइफ में, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लगेगा प्रोसेस, प्रोसेस के बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बाद एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी तो आप उस एक्शन का आपको रिएक्शन मिलेगा। जिस प्रकार से आप एक्शन लेंगे उसी प्रकार से आपको रिएक्शन लाइफ में मिलेंगे। तो बस वीडियो मत देखिए, एक्शन लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया है उसे नोट डाउन करिए और उस प्रिंसिपल को फॉलो करिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको खूब सारी सक्सेस यहां पर मिलेगी, और कृतिका के तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। होप सो फ्रेंड्स आप सभी लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स जाने के पहले जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।